तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम गांव में ब्याज को किस प्रकार से निकाला जाता है वो सीखेंगे। दोस्तों गांव में क्या होता है, लोगों को अक्सर ब्याज निकालना सही से नहीं आता, इसलिए वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेना है, इसके बाद ब्याज निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप कर दीजिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल को लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ब्याज निकालना बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर उधार लिया गया पैसा या फिर रकम कितनी है, 45,000 रुपये है, और ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट कितना है, वो है 3% प्रति माह। दोस्तों यहाँ पर दर क्या है, मासिक दर है, ठीक है। जब भी हम किसी को ब्याज पर पैसे देते हैं तो वहां पर अमूमन दर क्या होती है, मासिक दर होती है, ठीक है। और बैंक में क्या होती है दर, हमेशा वार्षिक दर होती है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों पैसा रकम लेने की तिथि, जो हमने 45,000 रुपये लिए हैं उसकी तिथि क्या है, 4/5/2021 यानी 4 मई 2021, ठीक है। और पैसा रकम लौटाने की तिथि क्या है, 13/6/2022 यानी 13 जून 2022, ठीक है। तो दोस्तों हमने इस पीरियड का, ये जो पीरियड बनेगा ना, इस पीरियड का ब्याज निकालना है कि वो कितना बनेगा, ठीक है। आई होप ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो दोस्तों इस उदाहरण में हमारे पास मूलधन क्या है, 45,000 रुपये है, और दर क्या है हमारे पास, यानी इंटरेस्ट रेट क्या है, 3% है, जो कि मासिक दर है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हमने सबसे पहले क्या करना है, एक माह का ब्याज निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए एक माह का ब्याज निकालते हैं। एक माह का ब्याज, दोस्तों हमारे पास दर क्या है, मासिक दर है, इसलिए यहां पर एक माह का ब्याज निकालेंगे, ठीक है। अगर दर वार्षिक होती तो एक वर्ष का ब्याज निकलता, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं या बैंक में पैसे जमा करते हैं तो वहां पर दर हमेशा क्या होती है, वार्षिक होती है, ठीक है। तो वहां पर हम एक वर्ष का ब्याज निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रति माह यानी एक माह का ब्याज निकालना होगा, क्योंकि दर हमारे पास क्या है, मासिक दर है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, 45,000 का 3% निकाल देना है, वो क्या होगा, एक माह का ब्याज होगा, ठीक है। तो निकाल देते हैं, 45,000 गुना में दर कितनी है, 3% है, प्रतिशत को हटाकर बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये कितना जाएगा, 3 जीरो 0 3 5 15, 3 चौके 12 और 1 13, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1,350 रुपये एक माह का ब्याज, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अब क्या करना है हमें, ये पीरियड, ये समय निकाल लेना है कि कितने समय के लिए हमने पैसे उधार दिए हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो नया दिनांक है, नई तिथि है, उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो पुरानी तिथि है उसको नीचे लिखेंगे और दोनों को घटा देंगे, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले भी सीखा था, यहां पर आपको वीडियोस दिखाई दे रही हैं। इन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एज निकालना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, दो दिनांकों को घटाना बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए इन दिनांकों को घटाते हैं और वो पीरियड निकालते हैं, कितने समय के लिए पैसे हमने उधार दिए हैं। नए दिनांक को ऊपर लिखेंगे, 13/06/2022 ये नया दिनांक है, ठीक है। और पुराने दिनांक को हम नीचे लिखेंगे, 04/05/2021, ठीक है। ये क्या है, दिन, ये है माह और ये है वर्ष। बहुत ही आसान है दोस्तों दो दिनांकों को घटाना। दोस्तों यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम दो संख्याओं को घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से घटाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम दो दिनांकों को घटा रहे हैं, दो तिथियों को घटा रहे हैं, तो हम लेफ्ट साइड से घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं, 13 में से 4 गया हमारे पास, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 6 में से 5 गया हमारे पास, आ जाएगा 1, ठीक है। और 2022 में से 2021 गया तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। यानी 22 में से 21 गया, 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। दोस्तों ये क्या है, हमारे पास वर्ष है, ठीक है, ये माह है और ये दिन है, ठीक है। तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं दोस्तों, 12 माह होते हैं, ठीक है, 12 माह, ठीक है। और एक माह ये,
ठीक है, तो हमारे पास टोटल माह कितने बन जाएंगे, 13 माह बन जाएंगे। ठीक है, एक माह का ब्याज हमने यहां पर निकाल लिया था, 13 माह का कैसे निकाल लेंगे, जो एक माह का ब्याज था उसको 13 से गुणा कर देंगे सिंपली। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए निकालते हैं, 13 माह का ब्याज। ठीक है, हमारे पास टोटल पीरियड कितना बना दोस्तों, 13 माह और 9 दिन। ठीक है, 13 माह 9 दिन, ये हमारे पास टोटल पीरियड बना। हमने इस माह को भी इसमें ऐड कर दिया तो 12 और 1 13 माह बन गए। ठीक है, 13 माह का ब्याज निकाल लेते हैं। क्या करना है हमें सिंपली, जो एक माह का ब्याज था क्या था, 1350 था, उसको हम 13 से गुना कर देंगे। बहुत ही आसान है, कर देते हैं गुना, 13 0 0। ठीक है, 13 5 65 6 हासिल बच गया। ठीक है, 13 3 39 और 6 45 4 हासिल बच गया। ठीक है, 13 कम 13 और 4 17, तो हमारे पास 13 माह का ब्याज कितना आ जाएगा, 17,550 रुपये। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 9 दिन का ब्याज भी निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल पीरियड कितना है, टोटल समय कितना है, 13 माह 9 दिन का। ठीक है, तो 9 दिन का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 दिन का ब्याज निकाल लेंगे, उसको 9 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है कि 1 माह बराबर 30 दिन का ब्याज कितना आया था हमारे पास, ये आया था हमारे पास 1350 रुपये। ठीक है, और 1 दिन का ब्याज क्या होगा, बहुत ही आसान है दोस्तों, 30 दिन का ब्याज है 1350, 1 दिन का क्या होगा, 1350 को सिंपली हम 30 से भाग दे देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 चौके 12 और 3 5 15। ठीक है, तो हमारे पास कितना जाएगा 1 दिन का ब्याज, 45 रुपये। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब 1 दिन का ब्याज 45 रुपये निकल गया, 9 दिन का क्या होगा, 9 से हम इसको गुना कर देंगे। ठीक है, पैंतालीस गुना में 9 9 5 45, 4 बज गया, 9 चौके 36 और 4 40, तो हमारे पास ये क्या गया, 405 रुपये। अब दोस्तों टोटल ब्याज क्या होगा, ये 9 दिन का ब्याज जो है वो, और जो 13 माह का ब्याज है वो, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये क्या होगा, 13 माह 9 दिन का ब्याज, जो हमारे पास टोटल समय था, जितने समय के लिए हमने उधार या फिर ब्याज पर पैसे दिए थे। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं, कुल ब्याज यानी 13 माह प्लस 9 दिन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, 13 माह का ब्याज कितना था, 17,550 रुपये। ठीक है, और 9 दिन का ब्याज क्या निकला था, 405 रुपये। दोनों को जोड़ देते हैं, 5 का 5 आ जाएगा, 5 और 0 5 आ जाएगा, 5 और 4 9 आ जाएगा, 7 का 7 1 का 1। ठीक है, तो हमारे पास ब्याज क्या निकल के आया, 17,955 रुपये। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो दोस्तों चलिए ये देख लेते हैं कि कुल कितनी रकम लुटानी होगी। ठीक है, कुल लौटाई जाने वाली रकम वो कितनी बनेगी दोस्तों, ये हमारे पास 45,000 रुपये क्या था, मूलधन था। ठीक है, मूलधन तो रहेगा ही। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ब्याज ऐड हो जाएगा। ठीक है, 13 माह 9 दिन का ब्याज क्या आया था हमारे पास, वो आया था हमारे पास 17,955 रुपये। ठीक है, तो मूलधन जमा ब्याज, ठीक है, ये रकम हमें लौटानी होगी जिससे हमने उधार पर पैसे लिए थे उसको। ठीक है, तो मूलधन कितना था, 45,000 रुपये। ठीक है, इसमें क्या जोड़ देंगे, ब्याज को जोड़ देंगे, 17,955 को इसमें हम जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं, 5 का 5 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 7 और 5 कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, हासिल 1, 4 और 1 5, और 1 हासिल बच गया था
6, ठीक है। तो हमें कितनी रकम लौटानी होगी, 62,955 रुपए, ठीक है। आई होप ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से बड़ी आसानी से गांव में हम ब्याज को निकाल सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये दर का आपको ध्यान रखना है कि दर अगर आपके पास मासिक होगी तो एक माह का ब्याज निकाल लेंगे सबसे पहले, अगर दर वार्षिक होगी तो एक वर्ष का ब्याज सबसे पहले निकाला जाएगा, ठीक है। गांव में अमूमन दर क्या होती है, मासिक दर होती है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके को अपनाते हुए यहां पर जो सवाल दिया गया है उसको हल करके आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।